नमस्कार, मैं राहुल आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो गाइस, हमारे इस चैनल पर एडवांस मैथ, अर्थ मैथ और प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें रेगुलर क्लासेस डलती हैं बच्चों। अगर आप एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीडीएस, एयरफोर्स, केवीएस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल पर आते हैं। तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, और अगर चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो गाइस, इससे पहले मैंने आपको कई सारी वीडियो प्रोवाइड की हुई है जो एडवांस मैथ में है, जिसमें मैंने कंप्लीट त्रिभुज किया हुआ है। त्रिभुज में जितने भी प्रकार होते हैं वो सब चीज़ करी हुई है। अब तक कम से कम 8 से 10 घंटे की वीडियो त्रिभुज के ऊपर बनाई गई है, तथा एक आयत के ऊपर भी वीडियो बनाई गई है जो कि 1 घंटे की है। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो जाइए और उन वीडियो को देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो रहने वाली है वर्ग के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कि वर्ग के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं तथा क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक भाई, देखो तो बच्चों, आज मैं वर्ग की बात करता हूँ। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है मेरे भाई? स्क्वायर, स्क्वायर। तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? देखो वर्ग क्या होता है भाई, वर्ग क्या होता है बच्चों? अगर वर्ग की बात करी जाए तो इसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं भाई? चारों भुजाएं होती हैं बराबर। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसे मैंने ए माना, इसे मैंने ए माना, इसे मैंने ए माना, इसे माना। तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं बच्चों? स्क्वायर की चारों भुजाएं क्या होती हैं? स्क्वायर की ऑल साइड, ऑल साइड आर इक्वल। चारों भुजाएं क्या होती है मेरे भाई? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर चारों भुजाओं की बात करी जाए तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में। चारों भुजाएं क्या होती हैं भाई? बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक भाई, मतलब ए बी बराबर बी सी, और बराबर सी डी, और बराबर डी ए। चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, हमने ए माना। जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो बात कर लेते हैं बच्चों, ये जो कोण होता है इसका, प्रत्येक कोण भी कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है मेरे भाई। 90 डिग्री का कोण होता है। देखो अगर मैं कोण की बात करता हूँ तो प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का प्रत्येक कोण होता है, मतलब कोण ए बराबर कोण बी के, और कोण बी बराबर कोण सी के, और ये कोण डी के। चारों के चारों कोण आपस में बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक भाई, ये भी एक प्रकार का आयत ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं भाई? बराबर होती हैं, और प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। लेकिन आयत के अंदर चारों की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। उसमें प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री का होता है, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं भाई? बराबर होती हैं। अब देखो बच्चों, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ, देखो क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल क्या होता है अभी? देखो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। अगर मैं परिमाप की बात करता हूँ, परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है मेरे भाई? परिमाप होता है 4a। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, ए का, ए का, ए का, ए का, चारों भुजाओं का योग कितना हो गया मेरे भाई? 4a हो गया। अब मैं डायगोनल की बात कर लेता हूँ। देखो बच्चों, डायगोनल एक है ए सी, और दूसरा क्या मेरे भाई? दूसरा है, दूसरा क्या भाई? बी डी। इसमें दो डायगोनल हैं, एक है ए सी और दूसरा क्या है मेरे भाई? बी डी है। देखो डायगोनल, डायगोनल आर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं 90 डिग्री के कोण पर। जो विकर्ण होते हैं बच्चों वो एक दूसरे को कितने डिग्री के कोण पर काटते हैं बच्चों? 90 डिग्री कोण पर। ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी कितने डिग्री का होता है? 90 का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है। अगर विकर्ण की माप की बात करता हूँ तो बच्चों देखो, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का है। अगर हम विकर्ण की माप की बात करते हैं तो विकर्ण होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के, ए स्क्वायर, 2a² आ गया, ए आ गया बाहर, तो बच्चों विकर्ण हो गया भुजा रूट दो। विकर्ण कितना हो गया बच्चों? भुजा रूट दो। देखो भुजा रूट दो विकर्ण हो गया। ठीक भाई,
भुजा रूट दो क्या हो गया भाई, विकर्ण हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण क्या अभी, देखो तो ये 90 डिग्री है और विकर्ण का जो शीर्ष होता है, विकर्ण का जो शीर्ष होता है देखो तो बच्चों ये जो है ना इस कोण को बराबर बराबर भागों में बांटता है, ये 45 डिग्री का हो जाएगा और ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा मेरे भाई, 45 45 डिग्री का हो जाएगा। मतलब वर्टेक्स जो होता है, डायगोनल जो होता है वो शीर्ष को इसके वर्टेक्स को बराबर बराबर एंगल में डिवाइड करता है, ये 45 और ये भी 45 हो जाएगा। ठीक भाई, ये 45 हो जाएगा मेरे भाई, ये 45 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा। अब अगर मैं विकर्ण की बात करता हूँ एसी की, तो एसी कितना है, ए रूट दो। एसी कितना है मेरे भाई, एसी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, एसी जो है वो ए रूट दो है, एसी ए रूट दो है। लेकिन एसी जो है ना दो भागों में बटा हुआ है, इसका नाम मैंने ओ रख दिया, यहाँ पर नाम मैंने क्या रख दिया बच्चों, ओ रख दिया। अगर मैं ओ रख देता हूँ तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ओ सी के। ए ओ किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के। ठीक है भाई, ए ओ ओ सी जो हो जाएगा ना ये कितना हो जाएगा, ए सी का आधा हो जाएगा, ए सी का आधा हो जाएगा। मतलब ए रूट दो बटे दो, दो से काटोगे तो कितना आएगा, ए बटे रूट दो, ए बटे रूट दो आ जाएगा। अब अगर इसकी बात करी जाए तो बच्चों ये कितना आ जाएगा भाई, देखो इसकी बात करी जाए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए बटे रूट दो, और ये भी कितना जाएगा मेरे भाई, ए बटे रूट दो, ए बटे रूट दो और ए बटे रूट दो। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, अगर 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा बच्चों ये क्या है, ये है कर्ण। अगर मैं कर्ण का वर्ग बराबर करूंगा, इसमें एक आधार और एक लंब है, ए स्क्वायर बटे दो प्लस ए स्क्वायर बटे दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब ए। ठीक भाई, अब हमने ये सीखा, देखो अगर हम आयत की बात करते हैं तो आयत के अंदर और वर्ग के अंदर क्या डिफरेंस है मेरे भाई, आयत का और वर्ग का जो डिफरेंस है मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि आयत के अंदर और वर्ग के अंदर क्या डिफरेंस है। बच्चों देखो आयत के अंदर और वर्ग के अंदर क्या डिफरेंस है मेरे भाई, देखो आप समझिए, ये क्या है अभी, ये मेरे भाई आयत है, ये क्या है मेरे भाई आयत, इसका नाम मैंने रख दिया ए बी सी और डी। ठीक भाई, और ये क्या है मेरे भाई, देखो ये क्या है अभी, ये है मेरे भाई वर्ग, ये क्या है मेरे भाई वर्ग है, इसका नाम मैंने रख दिया पी, ये क्यू और ये आर और ये एस। देखो मैं दोनों के अंदर डिफरेंस बता देता हूँ क्योंकि मैंने इससे पिछली क्लास में आपको आयत पढ़ाया हुआ है, आपको डिफरेंस जानना दोनों के में बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मैं बच्चों आयत की बात करता हूँ तो ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है बच्चों, ये भी 90 डिग्री का कोण है। देखो ये होती है लंबाई और ये क्या होती है भाई चौड़ाई, इसका भी कर्ण क्या है, इसका भी कर्ण ए सी है और इसका भी कर्ण क्या है बच्चों, इसका भी कर्ण बी डी है। इसमें भी कर्ण है दो भी कर्ण, देखो एक तो ए सी और दूसरा क्या भाई बी डी, ये दोनों भी कर्ण जो है ना बराबर है, दोनों भी कर्ण क्या मेरे भाई बराबर है, दोनों भी कर्ण बराबर है। पहली बात तो इसके भी कर्ण बराबर होते हैं। अगर मैं आयत की बात करता हूँ तो ये है बच्चों आयत, और देखो बच्चों ये क्या है भाई, ये है वर्ग। देखो बच्चों आयत में और वर्ग में क्या डिफरेंस है, इसके जो विकर्ण है वो क्या है बच्चों बराबर है, ए सी बराबर बताओ किसके बच्चों मेरे भाई, बी डी के बराबर है, और ये है क्या अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये जो ना कभी भी 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये कभी भी 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, मतलब ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है इसका, ये 90 डिग्री पर नहीं बनता है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो बच्चों इसके देखो चारों की चारों भुजाएं क्या होती है मेरे भाई, देखो इसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती है मेरे भाई, इसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, देखो चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक भाई, और ये इसके जो विकर्ण होते हैं डायगोनल, ये 90 डिग्री पर क्या करते हैं बच्चों, इंटरसेक्ट करते हैं, ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्ट 90 डिग्री पर नहीं करते। ठीक, ये जो भुजाएं हैं, ये वाली भुजाएं, ये क्या अभी, ये बच्ची, ये वाली भुजा, ये वाला जो एंगल होता है ये भी क्या होता है अभी, देखो अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा, और अगर ये बीटा है तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा मेरे भाई, ये वाला बीटा होगा। अगर मैं दोनों के योग की बात करूँ तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होता है। लेकिन ये वाला जो एंगल है ये पूरा पूरा कभी भी बराबर बराबर नहीं होता, ये वाला एंगल क्या नहीं होता बच्चों, बराबर बराबर नहीं होता है। इस एंगल की बात करूं और इस एंगल की बात करूं तो ये दोनों एंगल कभी भी बराबर बराबर नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कभी भी 45 डिग्री का नहीं होता है, ना तो ये 45 डिग्री का होता है और ना ही ये 45 डिग्री का होता है। अगर ये 45 डिग्री का होता है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता बच्चों, 90 डिग्री का होता। लेकिन अगर मैं वर्ग की बात करता हूँ तो ये वर्ग में ये दोनों कोण कितने के होते हैं भाई, ये बच्चों 45 डिग्री के होते हैं, ये वाले 45 डिग्री के होते हैं, और ये वाला कितने का हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। 90 डिग्री का मतलब क्या, अभी 90 डिग्री को समझने की कोशिश कीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम।
यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री के होने से लग सकती है। इन बातों को ध्यान में रखना बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको बताया कि आयत में और वर्ग में कितना बड़ा डिफरेंस है। ठीक भाई, अब आगे चलते हैं हम। देखो आगे चलते हैं बच्चों, अब मैं वर्ग के बारे में और कुछ बातें डिस्कस कर लेता हूँ कि वर्ग में और क्या क्या कंडीशन बनती है। ये वर्ग है बच्चों, इसका नाम मैंने रखा ए बी सी डी। इसमें चारों की चारों भुजाएं बराबर है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चारों की चारों भुजाएं क्या मेरे भाई, बराबर। अगर मैं इसका वर्ग का विकर्ण निकालता हूँ तो विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट ए रूट दो। विकर्ण क्या होता है मेरे भाई, ए रूट दो। और दोनों विकर्ण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। देखो एक विकर्ण क्या भाई, ए सी, और दूसरा विकर्ण क्या बच्चों, बी डी। ये दोनों होता है ए रूट दो। ए रूट दो का मतलब भुजा रूट दो। ए रूट दो का मतलब क्या मेरे भाई, भुजा रूट दो। ये यहाँ का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है मेरे भाई। देखो इसके जो डायगोनल होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर मेरे भाई, 90 डिग्री पर। ये वाला जो एंगल होता है 45 डिग्री का होता है। कितने का होता है मेरे भाई, 45 डिग्री का। देखो ये वाला 90 का, ये दोनों 45 45 के होते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस का प्रमेय का यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं क्षेत्र परिमाप की बात करता हूँ मेरे भाई, परिमाप क्या होता है भाई। देखो परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप होता है चारों भुजा भाई, वो कितना हो गया 4a। और अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो क्षेत्रफल क्या होता है अभी, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब कितना हो गया ए स्क्वायर। ठीक भाई, अब मैं विकर्ण की बात करता हूँ बच्चों। देखो विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट दो। विकर्ण क्या होता है मेरे भाई, भुजा रूट दो। ए रूट दो, ए रूट दो। विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट दो। अगर क्या दिया हुआ भाई, अगर विकर्ण दिया हुआ मेरे भाई, अगर दिया हुआ विकर्ण, अगर दिया हुआ विकर्ण दिया है, अगर डायगोनल दिया है डी आई ए जी ओ एन ए एल, अगर डायगोनल दिया है तो एरिया कैसे निकालोगे मेरे भाई। एरिया होता है डी स्क्वायर बटे दो। डी स्क्वायर बटे दो, देखो भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डी स्क्वायर बटे दो से निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया भाई, प्रश्न दिया जाएगा एक वर्ग का जो विकर्ण है वो 10 है। एक वर्ग का विकर्ण मेरे भाई कितना है भाई, 10 है। एक वर्ग का विकर्ण 10 है तो क्षेत्रफल बताइए, 10 है तो आप क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर 10 गुणा 10 बटे 2 कितना जाएगा मेरे भाई, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 50। आपको कोई भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दोगे। अगर वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है तो क्षेत्रफल होता है डी स्क्वायर बटे दो। देखो ये जो सवाल बनते हैं ये ऑब्वियसली छोटे छोटे एग्जाम के अंदर बनते हैं, जैसे जीडी का एग्जाम, पुलिस का एग्जाम। इससे बाहर एक भी सवाल आपका पूछा हुआ पूछा नहीं जाएगा। अब थोड़े से आगे बढ़ लेते हैं, देखो चर्चा कर लेते हैं। अगर एसएससी के लेवल पे हम आते हैं तो एसएससी के लेवल में वर्ग से कौन कौन से सवाल पूछे जाने की संभावना होती है, इस पर चर्चा करते हैं बच्चे। देखो अगर हम एसएससी की बात कर लेते हैं तो देखो एसएससी के अंदर क्या होता है अभी। अच्छा ये वर्ग है, ये क्या मेरे भाई वर्ग है, इसका नाम मैंने रख लिया ए, ये बी है और ये सी है, और बच्चों ये क्या अभी डी है। मैंने क्या करा भाई मेरे भाई, मैंने इसके अंदर क्या कर लिया भाई, देखो बच्चों मैंने इसके अंदर ना एक इन सर्कल इंस्क्राइब कर लिया, इन सर्कल इंस्क्राइब कर लिया। अब बच्चों इसकी भुजा क्या है भाई, ए है। इसकी भुजा ए है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है मेरे भाई, बराबर होती है नहीं होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूँ तो बच्चों देखो ये यहाँ से लेकर है तो क्या भाई, इसका क्या भाई, ये पता ही है, ये इसका व्यास है, डायमीटर है, ये भी ए हो जाएगा। तो यहाँ तक की जो भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ए बाई टू। इस तरीके से ये जो हो जाएगी ये बच्चों, ये भी कितनी हो जाएगी, ए बाई टू हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई। अगर मैं इसके किसकी बात करता हूँ बच्चों, इसके रेडियस की बात करता हूँ तो इसकी रेडियस कितनी है, ए बटे दो। इसकी रेडियस कितनी है, ए बटे दो। समझ में आया नहीं आया अभी, देखो तो इसकी रेडियस ए बटे दो है। वहीं अगर मैं इसके बाहर सेमी सर्कल बना लेता हूँ एक, देखो तो बच्चों अगर मैंने इसके बाहर एक सेमी सर्कल बना लिया, अगर मैंने इसके बाहर सेमी सर्कल बना लिया तो इसकी रेडियस कैसे निकलेगी। देखो तो एक तो है भाई बच्चों, देखो एक क्या है भाई, एक है सेमी सर्कल, एक क्या है बच्चों, सेमी सर्कल। देखो एक है सेमी सर्कल, और देखो ये वाला जो है ना, ये छोटा वाला, ये क्या है भाई, इन सर्कल। ये क्या मेरे भाई, इन सर्कल है। मतलब एक तो है परिवृत्त, एक है बच्चों परिवृत्त, और दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा क्या है अंतर्वृत्त। देखो दूसरा अंतर्वृत्त है, एक है परिवृत्त, दूसरा अंतर्वृत्त है। अगर मुझे क्या निकालना है, इनकी रेडियस निकालनी है एक बार को। अब देखो बच्चों मैंने क्या करा भाई, इससे इसे मिला दिया। देखो मेरे भाई बहुत अच्छी तरीके से समझना, मैंने क्या करा, इससे इसे मिला दिया। देखो मैं अगर इससे ऐसे मिला दूंगा तो ये जो है एसी जो है भाई, एसी क्या है बच्चों, एसी जो है ना, अगर मैं एसी की बात करता हूँ तो ए बी सी डी का क्या है भाई, ए बी सी डी का डायगोनल है।
ए सी क्या बच्चों, ए बी सी डी का डायगोनल है, ए बी सी डी का क्या बच्चों डायगोनल है, ए बी सी डी का विकर्ण है जिसे हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं डायगोनल, क्या बच्चों ए बी सी डी का ये डायगोनल है, डायगोनल है नहीं है, डायगोनल है, और डायगोनल क्या होता है भुजा रूट दो, डायगोनल क्या होता है भुजा रूट दो, ए सी की वैल्यू हो जाएगी, ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ए सी बराबर हो जाएगा ए रूट दो, ए सी हो जाएगा ए रूट दो, भाई ए सी ए रूट दो है, ए सी जो ना व्यास है, ए सी क्या भाई, ए सी क्या बच्चों व्यास है, सेमी सर्कल का व्यास है, ए सी क्या सेमी सर्कल का व्यास, सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का क्या बच्चों व्यास है, सेमी सर्कल का व्यास है, हमने टू आर मान लिया, भाई टू आर की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे भाई, ए रूट दो है, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए रूट दो बटे दो, बताओ कितना हो जाएगा, ए बटे रूट दो, ए बटे रूट दो आ जाएगा, ए बटे रूट दो आया नहीं आया। अब मैं इन सर्कल के एक सेमी सर्कल और एक इन सर्कल की रेडियस का अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो ये हो जाएगा देखो आर बटे आर, आर बटे आर क्या जाएगा, ये है ए बटे रूट दो और स्मॉल आर का मान क्या आ गई ए बटे दो, ऐसे ये कैंसिल, ठीक, ये रूट दो इधर जाएगा, चलो रूट दो इधर जाएगा, देखो रूट दो इधर जाएगा, या फिर ऐसा समझ लीजिए रूट दो से ये वाला कट जाएगा, रूट दो इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट दो अनुपात वन, रूट दो अनुपात वन, देखो बच्चों दो इधर जाएगा रूट दो इधर जाएगा, तो आसानी से कट जाएगा ये। अब अगर मैं इन सर्कल की, और एक होता है सेमी सर्कल और एक होता है इन सर्कल, अगर मैं इन दोनों की तुलना कर लेता हूँ तो इनकी जो रेडियस का रेशियो है वो कितना है, अंडर रूट दो अनुपात वन, देखो एक है सेमी सर्कल और एक है इन सर्कल, अगर मैं इनकी रेडियस की बात कर लेता हूँ तो क्या भाई रूट दो अनुपात वन, अगर मैं इनके क्षेत्रफल की बात कर लेता हूँ बच्चों, देखो क्षेत्रफल की बात कर लेता हूँ, क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटे पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बच्चों पाई देखो कॉमन है दोनों में, तो रूट रूट दो का वर्ग दो और एक का वर्ग एक, तो बताओ क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो बच्चों क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दो बटे एक, कितना हो जाएगा बच्चों दो बटे एक, इसका मतलब क्या, दो बटे एक का मतलब देखो दो बटे एक का मतलब क्या, अगर मैं जो सेमी सर्कल है, जो सेमी सर्कल है बच्चों, जो सेमी सर्कल बना हुआ उसका क्षेत्रफल दो है, तो अंदर वाले का जो क्षेत्रफल होगा वो उसका क्या होगा भाई बच्चों, देखो आधा होगा, बच्चों क्या होगा भाई आधा होगा, इस बात को समझिए कि अंदर अगर एक वृत्त एक वर्ग के अंदर, एक वर्ग के अंदर एक सेमी सर्कल बना हुआ है, अंदर इन सर्कल बना हुआ, अंदर हमेशा इन सर्कल बनता है और बाहर बनता है सेमी सर्कल, एक होता है अंतःवृत्त और एक होता है परिवृत्त, अगर बच्चों वर्ग के परिवृत्त और अंतःवृत्त, परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो पूछा जाता है तो दो अनुपात एक होता है, अगर अंदर वाले का क्षेत्रफल 10 है तो बाहर वाले का 20 होगा, अगर बाहर वाले का क्षेत्रफल 40 है तो अंदर वाले का कितना होगा बच्चों 20 होगा, देखो ये चीज मैंने आपको सिखाई है और ये चीज मैंने आपको समझाई भी है, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, देखो इसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, मैंने सबसे पहले क्या करा भाई, एक वर्ग बनाया उसके अंदर एक इन सर्कल डाला, इन सर्कल डालने के बाद में उसकी रेडियस निकाली बच्चों, रेडियस निकालने के बाद में देखो मैंने क्या करा भाई, मैंने जो नहीं इसके बाहर एक सेमी सर्कल बनाया, सेमी सर्कल की रेडियस निकाली, दोनों का रेशियो निकाला कितना आया रूट दो अनुपात वन, फिर मैंने क्षेत्रफल का रेशियो निकाला तो दो अनुपात वन आया। आगे चलते हैं, देखो भाई अब मैं क्या करता हूँ भाई, देखो बच्चों अगर अगर हमें क्या करना भाई प्यारे बच्चों, देखो ये देखो ये बच्चों देखो वर्ग है, ये क्या भाई वर्ग है, ये ए ये है बी और ये है सी और ये क्या बच्चों डी, ए बी सी डी क्या भाई, ए बी सी डी इज स्क्वायर, यहाँ पे ए बी सी डी क्या बच्चों मेरे भाई, ए बी सी डी स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है बच्चों, इसकी भुजा क्या आ भाई, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है मेरे भाई, इसकी भुजा क्या आ भाई ए है, हमने क्या करा भाई मेरे भाई, हमने इसके अंदर इसकी भुजाओं के मिडिल पॉइंटों को मिलाकर एक वर्ग बना लिया, इसकी भुजाओं के मिडिल पॉइंटों को मिलाकर एक वर्ग बना लिया, इसका नाम रख लिया मैंने पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस रख लिया, तो इसका क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूँ, देखो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा बच्चों, मैंने क्या करा भाई इस वाले सिरे से इस वाले सिरे को मिलाया, इस वाले सिरे से इस वाले सिरे को मिलाया, तो मैंने देखा इसमें देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अगर मैं अंदर वाले के क्षेत्रफल की बात करता हूँ पी क्यू आर एस के, देखो पी क्यू आर एस के, पी क्यू आर एस और बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना ए बी सी डी, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ बच्चों, देखो क्षेत्रफल की बात करता हूँ पी क्यू आर एस के, एरिया की बात करता हूँ, क्षेत्रफल की बात करता हूँ मैं, यहाँ क्षेत्रफल की बात करता हूँ मैं ए बी सी डी के और पी क्यू आर एस के, तो
अंदर वाले का क्षेत्रफल 4 है और बाहर वाले का क्षेत्रफल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब यह है अगर बच्चों में वर्ग के अंदर उसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नए वर्ग का निर्माण करता हूं तो अंदर जो बच्चों वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल बाहर वाले के क्षेत्रफल का कितना होगा? हाफ होगा। कितना होगा मेरे भाई? हाफ होगा। अगर अंदर वाले का क्षेत्रफल 50 है मेरे भाई, अगर अंदर वाले का क्षेत्रफल 50 है तो बाहर वाले का क्षेत्रफल उसका दुगुना कितना होगा मेरे भाई? 100 होगा। ठीक है भाई, मतलब बाहर वाले का क्षेत्रफल और अंदर वाले का जो क्षेत्रफल होता है 2:1, 2:1 के रेशियो में होता है। अब आगे चल लेते हैं बच्चों। देखो इससे जो नहीं, इससे क्या होता है, इससे हम जितने चाहें उतने वर्ग बना सकते हैं। ठीक भाई, देखो हम क्या करेंगे भाई, मैंने इसके मिडिल पॉइंट को मिला के एक वर्ग और बना दिया भाई, एक वर्ग और बना दिया इस तरीके से दे दिया जाएगा। फिर मैं यहाँ भी एक वर्ग बना सकता हूँ इसके मिडिल पॉइंटों को मिलाया गया। देखो यहाँ से बहुत सारी आकृतियों का निर्माण हो सकता है, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं आपको। देखो इसका बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे हल्के में मत समझना मेरे भाई। अगर अंदर वाले का जो क्षेत्रफल है, देखो अंदर वाले का क्षेत्रफल 10 है, सोचिए अगर अंदर वाले का क्षेत्रफल 10 है तो बाहर वाले इस वाले का क्षेत्रफल होगा मेरे भाई 20, और अगर बाहर इस वाले का क्षेत्रफल 20 है तो इस वाले का होगा मेरे भाई 40, और अगर इसका 40 तो इससे बाहर वाले का होगा मेरे भाई 80। कुछ भी निकाल सकते हैं, बस आपको समझना है। इस तरीके की अगर फिगर बना दी जाती है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कभी कभी, क्योंकि ये बहुत अच्छी लेवल की चीज़ें हैं, अगर ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं तो हम आसानी से बिल्कुल, अगर आपके ये चीज़ एक बार में समझ में आ गई तो आप सवाल को आसानी से कर ले जाओगे। पहली बार पढ़ोगे तो आप हो सकता है सवाल को सोल्व ना कर पाओ। आगे चलते हैं भाई। अब बच्चों देखो मैंने क्या करा भाई, मैंने अभी आपको एक वर्ग के अंदर इन सर्कल बनाया है और एक वर्ग के बाहर सेमी सर्कल बनाया है, और मैंने वर्ग के अंदर उसकी भुजाओं के मिडिल पॉइंटों को मिलाकर एक वर्ग बनाया है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, देखो अब देखो अगले अगले पॉइंट में मैंने क्या करा मेरे भाई। अब देखो ये क्या, अभी अगर बच्चों मैं इसकी बात करता हूँ तो ये है वृत्त, ये है वर्ग, वृत्त वर्ग है ये, ए बी सी डी, ये वर्ग है बच्चों। हमने क्या करा भाई बच्चों, देखो हमने इसके बाहर क्या बना लिया बच्चों, देखो हमने इसके बाहर जो नहीं क्या बना लिया, देखो हमने इसके बाहर बना लिया एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बना लिया बच्चों, सेमी सर्कल बना लिया। मैंने आपको बताया था अगर मैं इसके क्षेत्रफल की और इसके क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो हम कैसे निकालेंगे। देखो इसके क्षेत्रफल की, अब इस बार जो नहीं मैंने मैंने क्या करा अभी, मैंने एक सेमी सर्कल के अंदर एक वर्ग बनाया हुआ है, एक वर्ग बनाया हुआ है, मैंने इसकी भुजा मान ली बच्चों एक, इसकी भुजा बताओ मैंने क्या मान ली भाई बच्चों एक, इसकी भुजा मैंने ए मान ली, इसकी भुजा भी ए हो जाएगी क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती है अभी बराबर होती हैं। अब देखो ए सी क्या है मेरे भाई, ए सी क्या है अभी, ए सी जो है ना, वेयर यहाँ पर ए सी क्या है बच्चों, ए सी जो है ना वो क्या है भाई, ए सी जो है ना विकर्ण है, ए सी मेरे भाई विकर्ण है, और विकर्ण का मान कितना बताओ, विकर्ण का मान है ए रूट दो, विकर्ण का मान क्या है मेरे भाई, ए रूट दो, विकर्ण का मान ए रूट दो है, और ए सी जो है ना वो डायगनल भी है, ए सी क्या है बच्चों डायगनल है, ए सी जो है ना क्या बच्चों सेमी सर्कल, परिवृत्त की परिवृत्त का व्यास भी है, परिवृत्त का क्या है बच्चों, परिवृत्त का व्यास भी है, परिवृत्त का व्यास है। मेरे समझ में आई नहीं आई बच्चों, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ए सी जो है ना, जो इसके चारों ओर परिवृत्त सेमी सर्कल बना हुआ है उसका व्यास भी है। अब देखो ये क्या है भाई, ये होता है ए रूट दो, ये होता नहीं होता है भाई, ए रूट दो इसे ठीक करके बना लीजिए आप, ये ए रूट दो होता है। अब ए रूट दो जरा 2r के बराबर है बच्चों, ए रूट दो 2r के बराबर है, तो 2r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2r की वैल्यू है ए रूट दो, ए रूट दो, यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी ए ए बटे रूट दो, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बटे रूट दो। अब अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ, देखो बच्चों क्षेत्रफल की बात करता हूँ, इसके क्षेत्रफल की बात करता हूँ और बाद में इसके क्षेत्रफल की बात करता हूँ, इन दोनों के एरिया की बात करता हूँ, तो एरिया कैसे निकालेंगे भाई बच्चों, देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों ए स्क्वायर। ठीक भाई, पाई ऐसे रहने दो, अब ए का मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे रूट दो का वर्ग दो, और ये क्या है ए स्क्वायर, देखो ए से ए कैंसिल, तो बताओ कितना आएगा पाई बटे दो, इसका जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया बच्चों पाई बटे दो। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, हमने क्या करा भाई, एक सेम ऐसा समझ लीजिए, एक वर्ग के अंदर हमने एक
क्या डाला भाई? एक वर्ग के अंदर हमने एक एक जो एक वर्ग नहीं, एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त के अंदर बच्चों मैंने एक वर्ग डाला हुआ है। इसे ऐसा समझिए, एक एक वृत्त के अंदर मैंने एक वर्ग डाला हुआ है, या फिर एक वर्ग का जो ना सेमी सर्कल खींचा हुआ, एक वर्ग का सेमी सर्कल खींचा हुआ, तो उनके जो रेशियो का अनुपात होता है क्षेत्रफल का वो होता है पाई अनुपात दो, पाई अनुपात दो। अब मैं देखो इसमें क्या करता हूँ बच्चों, अगर मैंने क्या करा भाई, देखो बच्चों मैंने इसके अंदर भी एक वृत्त डाल दिया, इसके अंदर भी बच्चों मैंने एक वृत्त डाल दिया इस तरीके से, ठीक भाई। अब मैं क्या करूँगा, इसके मिडिल पॉइंट को मिला के, देखो इसके मिडिल पॉइंट को मिला के मैंने क्या कर दिया बच्चों, इसके मिडिल पॉइंट को मिला के एक मैंने क्या डाल दिया, इसके मिडिल पॉइंटों को मिला के मैंने एक वर्ग बना दिया, वर्ग बना दिया। अब आगे क्या करते हैं बच्चों, हम इसके मिडिल पॉइंट को मिला के मैंने एक वर्ग बना दिया, फिर मैंने इसके अंदर बच्चों मैंने क्या करा, फिर मैंने इसके अंदर बच्चों एक मैंने एक सर्कल और बना दिया, एक वृत्त और बना दिया मैंने, एक सर्कल बना दिया। फिर मैंने यही एक्टिविटी दर्शाई बच्चों, मैंने इसके मिडिल पॉइंट को मिलाया, इसके मिडिल पॉइंट को मिलाया, और बच्चों बताओ मैंने क्या करा भाई, एक वर्ग मैंने और बना दिया। वर्ग बनाने के बाद में मैंने क्या करा बच्चों, मैंने फिर इसके अंदर क्या बना दिया भाई, एक इन सर्कल बना दिया, ठीक भाई, एक इन सर्कल बना दिया। अब देखो क्या सवाल एग्जाम के अंदर बन सकता है और क्या सवाल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मैंने आपको बताया है। देखो पहला वाला सर्कल, अब दूसरे वाले की बात करता हूँ, दूसरा वाला ये हो गया, तीसरे वाले की बात करता हूँ, तीसरे वाला ये हो गया, और अगर मैं चौथे वाले की बात करता हूँ बच्चों, चौथा वाला हो गया ये, इसमें चार बने हैं मेरे भाई, चार बने हैं, तो मैं यहाँ पर किससे गुणा कर देता हूँ, मैं यहाँ पर गुणा कर देता हूँ 16 से, किससे गुणा कर देता हूँ मैं मेरे भाई, 16 से, 16 में से दो से दोनों में गुणा कर दो, 16 अनुपात 32 कितना हो जाएगा, 16 अनुपात 32। देखो यहाँ इस चीज को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैंने जब चार वृत्त बना दिए तो 16 से गुणा कर लेता हूँ, देखो मैंने यहाँ लिख दिया 16 अनुपात 32, शायद आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, 16 पाई अनुपात 32, 16 पाई अनुपात 32। अगर मैं इसे काटूंगा, देखो 16 16 16 32, अगर मैं इसे काटूंगा तो बताओ पाई अनुपात दो का रेशियो है नहीं है अभी, देखो बच्चों पाई अनुपात दो का रेशियो है, पहले वाले की बात करी जाती है। अब अगर हम दूसरे वाले की बात कर लेते हैं मेरे भाई, दूसरे वाले की बात कर लेते हैं, अब दूसरे वाले के अंदर क्या होगा बच्चों, देखो दूसरे वाले का जो क्षेत्रफल होगा, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर ये बच्चों देखो ये क्या अभी सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल के अंदर देखो, सेमी सर्कल के अंदर एक इन सर्कल बनता है, इन सर्कल, इन दोनों के बीच में जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो कितना होता है, आधा होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा अभी, 8 पाई हो जाएगा बच्चों, 8 पाई हो जाएगा। अब देखो बच्चों अगर हम बच्चों वर्ग के अंदर उसके भुजाओं के मिडिल पॉइंटों को मिलाकर वर्ग बनाते हैं, तो मैंने बताया था इसका जो क्षेत्रफल है वो इसका भी आधा आ जाएगा, ठीक भाई। अब दूसरे वाले के बाद में तीसरे वाले की बात करते हूँ मैं बच्चों, देखो तीसरे वाले की बात करता हूँ, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो इसका आधा हो जाएगा, 4 पाई का, 4 पाई का, अब बच्चों इसका 8 हो जाएगा। अब देखो चौथे वाले की बात करता हूँ, तो 2 पाई बटे क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, ठीक भाई। उससे नीचे वाले की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, पाई पाई अनुपात 2 हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है वो इस तरीके से चलता रहेगा बच्चों। देखो इसके अंदर कभी कभी क्या अभी, देखो इसके अंदर कभी कभी क्या देता है अभी, अंदर वाले का क्षेत्रफल देता है, अंदर वाले का क्षेत्रफल देता है, और बाहर वाले का, सबसे बाहर वाले का क्षेत्रफल पूछ लेता है, या फिर बाहर वाले का क्षेत्रफल देता है और सबका क्षेत्रफल क्या कर लेता है, सबका क्षेत्रफल पूछ लेता है। इस प्रकार के सवाल एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपको वर्ग के अंदर जितनी भी कंडीशन थी सारी कंडीशन बताई है, इस पर आधारित अधिकांश सवाल एसएससी की परीक्षा में, एसएससी सीजीएल की परीक्षा में, सीडीएस की परीक्षा में, एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अधिकांश जितने भी टॉपिक थे मैंने वर्ग से संबंधित सारे टॉपिक मैंने यहाँ उठा कर रख लिए हैं बच्चों। अगर फिर भी एक अलग सवाल, एक अलग टॉपिक रह जाता है तो हम उसे अगली वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड नाइट एवरीवन, जय हिंद जय भारत। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।